आगामी 7 दिसंबर को रिलीज होने वाली फिल्म केदारनाथ विवादों से घिर गई है। दरअसल फिल्म के टीजर और ट्रेलर पर बवाल हो रहा है। इस मामले पर केदारनाथ आपदा प्रभावित समिति के संरक्षक अजेंद्र अजय ने अश्लीलता का आरोप लगाते हुए कहा है कि फिल्म लव जिहाद को बढ़ावा दे रही है। देखिए, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस देश में फिल्मकारों का एक वर्ग लगातार जो हिंदू देवी देवता हैं, हिंदू मान बिंदु हैं, प्रतीक हैं, जो हमारी संस्कृति है, परंपरा है, जो मर्यादाएं हैं, उनको आघात पहुंचाने का, उन पर प्रहार करने का लगातार प्रयास करते रहे हैं। और इसी क्रम में जो अभी केदारनाथ आपदा की पृष्ठभूमि को लेकर के एक फिल्म केदारनाथ नाम से आई है, उसमें भी उसका जो टीजर और पोस्टर जो जारी हुआ है वो घोर आपत्तिजनक है। पहला तो जो पोस्टर है, पोस्टर में जो नायक है वो नायिका को पीठ पर पिट्ठू में कंडी में लादते हुए दिखाया गया है, और उसके पृष्ठभूमि में भगवान केदारनाथ जी का मंदिर दिखाया गया है, और उस पर जो टैग लाइन है वो टैग लाइन में लिखा है कि प्रेम एक तीर्थ यात्रा है। तो इसका अर्थ क्या है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं वो प्रेम प्रसंगों के लिए वहाँ जाते हैं, या जो तीर्थ यात्रा होती है वो प्यार प्रणय के लिए होती है? इसी प्रकार जो टीजर है, टीजर में भी कुछ आपत्तिजनक तरीके से, एक तरफ तो आप केदारनाथ जल प्रलय का दृश्य दिखा रहे हैं और कुछ आपदा को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अब जो नायक और नायिका हैं वो अश्लील और अशिष्ट तरीके से प्रेम प्रसंगों में लील है, इस तरीके का दृश्य है। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण बात यह है, ये सर्वविदित है कि जो केदारनाथ धाम है, केदारनाथ धाम देश विदेश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था, श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है। उस केंद्र को की पृष्ठभूमि में आप जो फिल्म बना रहे हैं, उस फिल्म में जो नायक है वो एक मुस्लिम मजदूर के रूप में आपने दिखाया है, उसकी भूमिका एक मुस्लिम युवक की जो मजदूर हुआ है, और जो नायिका है वो एक हिंदू तीर्थयात्री है, और इससे मतलब जो उससे जो थीम सामने आ रही है वो ये आ रही है कि एक हिंदू युवती तीर्थ यात्रा पे जा रही है और एक मुस्लिम जो मजदूर है उसके साथ वो प्रेम प्रसंगों में लीन हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं हिंदू भावनाओं पर कुठारा गाते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे जो फिल्मकार है उसने लव जिहाद को प्रमोट करने के लिए ये फिल्म बनाई है, और पत्र दिखाया है। और इन्हीं सारे बिंदुओं को लेकर के मैंने भारतीय जो फिल्म प्रमाणन बोर्ड है उसके अध्यक्ष प्रसून जोशी जी को पत्र लिखा है, और इन सारे तथ्यों पर विस्तार से उसमें चर्चा करी है, और उनसे मांग करी है कि इस फिल्म को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए क्योंकि ये करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं से सीधा सीधा प्रहार है। बताते चले आपको, इस फिल्म में पहली बार सारा अली खान डेब्यू कर रही हैं। खैर, देखना होगा फिल्म पर मच रहा सियासी दंगल क्या मोड़ लेता है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।